हेलो भाइयों, मैं सागर सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक काफी ज्यादा पावरफुल वाटर पंप बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी देखना। मैंने इसके अंदर पूरी डिटेलिंग में बताई है और उसके साथ साथ इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये सिर्फ वाटर पंप ही नहीं है, ये एक जादुई पंप है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वीडियो में। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू करना, कहीं पे भी वीडियो स्किप मत करना। तो इसके लिए मैंने ऐसा एक पीवीसी का पाइप का टुकड़ा ले लिया। मैं इसके डायमेंशन आपको दिखा रहा हूँ स्केल की सहायता से, तो आप वो देख लो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी एक बार जरूर देखना। ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखोगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा, इससे आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलने ही वाला है, वो जरूर है। अगर आपको कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करना, और आपको लगा कि आपका टाइम बर्बाद हो गया, मतलब वीडियो नहीं देखना चाहिए था, तो कुछ बात नहीं, आप अगली बार वीडियो मत देखिएगा। तो अब इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कट कर लेता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको कट करने के बाद कैसे चिपकाना है। तो मैंने ऐसा इसका पीस कट कर लिया है तिरछा वाला। अब इसको सैंड पेपर के ऊपर मैं घिस लेता हूँ। तो मैंने घिस लिया, उसके बाद यहाँ पे एक बार मैं इसको चिपका लूंगा, मतलब ऐसा नाप लेने के लिए इसको थोड़ा सा चिपका लेता हूँ। देखो, मैंने इसके लिए नाप ले लिया इसको किस तरीके का होल करना है। तो अब मैंने इसके अंदर सोल्डरिंग आयरन से होल भी कर दिया, आप ड्रिल से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको इसे इस तरीके से चिपकाना है। तो मैं सबसे पहले तो फेविक्विक से चिपका लेता हूँ। ये फेविक्विक से चिपक तो जाएगा लेकिन काफी ज्यादा लीक करेगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा गैप्स है। देखो, इसमें काफी ज्यादा गैप्स है, अगर आप ऐसा ही रहने दोगे तो ये लीक कर जाएगा। मैं आपको ऐसे ही वीडियो में आगे बताते जाने वाला हूँ कि क्या क्या करना है, तो वीडियो को पूरी देखते रहिएगा। अब मैंने ले लिया एमसील फटाफट, मतलब जो एमसील आता है वो, उसको आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना है। तो देखो, इतना कुछ मैंने ले लिया काला वाला। अब ये दूसरा कौन सा, हाँ व्हाइट वाला आता है, हाँ ग्रे कलर का है, दोनों को मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स कर लेने के बाद हम वहां पे उस तोती के ऊपर लगा देंगे, काकी ये आपको काफी मजबूती से चिपकाना है। अगर आप ऐसे ही चिपका लोगे तो इसका पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये जो टोटी है ये निकल जाएगी नली के साथ, इसलिए आपको इसे घिस लेना है और काफी मजबूती से चिपकाना है। उसका प्रेशर तो आप आगे देखने ही वाले हो वीडियो में कितना ज्यादा प्रेशर लगाता है। तो मैं आपको इसकी पूरी फुल टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। तो मैं फटाफट से एमसील लगा लेता हूँ। तो ये एमसील मैंने फटाक से लगा दिया है यहाँ पे। अब इस तरीके से इसको कर लेता हूँ, अच्छे से चिकन कर लेता हूँ, स्मूथ कर लेता हूँ। तो देखो भाइयों, मैंने अच्छे से एमसील लगा दिया है इसके ऊपर पूरी चारों ओर से, यहाँ पे कहीं पे भी लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ज्यादा एमसील लगाना है और मजबूती से चिपकने देना है इसको, मतलब सब घिस विस लेना है सैंड पेपर से जिससे मजबूती से चिपक जाए। तो देखो, मैंने अच्छे से एमसील लगा दिया है। अब चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। तो ये एमसील सूख चुका है, मैं इसको अभी साइड में कर देता हूँ। तो इस तरीके की एक पीवीसी की शीट बना ली। अब मैं इसके ऊपर मार्किंग कर लूंगा और मार्किंग कर लेने के बाद इस पीस को कट कर लेंगे। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो अपनी पत्रा काटने वाली कैंची आती है उससे मैं कट कर लेता हूँ। आप जो अपनी घर की जो अपनी सीजर रहती उससे भी कट कर सकते हो, लेकिन अगर ये पाइप काफी बड़ा लोगे आप, मतलब जाड़े वाला, तो सीजर से मत कट करना, क्योंकि कैंची आपकी जो है वो टूट सकती है और आपको डांट पड़ सकती है। इसलिए आप इसको एक सा ब्लेड से कट कर लेना। अगर इस तरीके की कैंची है तो काफी अच्छी बात है। तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। आप किसी, अगर आपके पास उल्सा उल्सा है तो आप उससे भी कट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो मैं अब इसको यहाँ पे चिपका दूंगा, लेकिन उससे पहले इस तरीके से आपको होल कर लेने जिससे कि यह मोटर के ऊपर ऐसे फिक्स आ जाए, और यहाँ पे दो स्क्रू लग जाने वाले है। तो ये अब मैं इसके नीचे चिपका दूंगा। तो पहले चिपकाने के लिए मैं तो इसके ऊपर फेविक्विक का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको घिस लेता हूँ। आपको बताया मैंने पहले भी कि क्यों घिसना जरूरी है, ये काफी मजबूती से चिपकाना है, वरना पानी के फ्लो से ये निकल जाएगा सब, इसलिए आपको काफी मजबूती से चिपकाना है, और कहीं से एक बूंद भी लीक ना होनी चाहिए, वरना इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके सभी तरीके मैं आपको वीडियो में बताते रहा हूँ, आगे आगे देखते हो।
देखते ही रहिएगा, मैं और भी कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो उसके बाद इस तरीके का और एक पीस ले लिया जो कि ऊपर वाला ढक्कन बनाने के लिए। तो मैं आपको इसका नाप दिखा देता हूँ। तो देखो इतने नाप का ये कुछ है। तो इसके लिए अपना जो है सर्किल निकालने का, क्या बोलते हैं इसको, कंपास की कुछ तो बोला जाता है, मेरे को उतना नहीं पता, आप कमेंट में बता देना मुझको इसको क्या बोला जाता है। तो अब इस सर्किल को भी मैं कट कर लेता हूँ, इसको भी मैं इसी सीजर से कट कर ले रहा हूँ। तो ये सर्कल मैंने कट कर लिया। अब इसके जो ऊपर के जो किनारे है वो काफी खुरदुरे, मतलब कैसे मैसे, तो इसको मैं घिस के स्मूथ कर लेता हूँ। अब इसको हम ऐसे भी घिस लेंगे जिससे कि ये मजबूती से चिपक जाए। आपको हर चीज को चिपकाने से पहले घिस लेना है ताकि वो मजबूती से चिपक जाए, वरना वो पानी के फ्लो से निकल जाएगा। और ये हमारा सेंटर था तो ये इसलिए कट किया है पीस, ये ऊपर से नहीं लगाना है, ये जो इसके प्रोपेलर मतलब जो इसके इम्पेलर से, क्योंकि जो हवा देने वाले पंखे के रहते हैं उनको प्रोपेलर बोला जाता है, और जो वाटर पंप में रहते हैं उनको इम्पेलर बोला जाता है। तो मैंने यहाँ से पेन का जो टुकड़ा है वो कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चिपका लेने वाला हूँ, और उसके बाद अब इस इम्पेलर के लिए जो पंखुड़ी है वो बना लेते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ पाइप का टुकड़ा ले लिया है, मैं आपको नाप दिखा रहा हूँ, और इसके कुछ टुकड़े भी कर लेने हैं, वो भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, कहीं स्किप मत कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ से मैं ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ और इसी तरीके से पूरे पंखुड़ियों को कट कर लूंगा। तो देखो ये मार्किंग कर ली, अब मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ और इसी को रख रख के मैं इसकी मार्किंग कर करके टुकड़े कट कर लूंगा। तो इसी तरीके से मैं और कुछ टुकड़े कट कर लेता हूँ। तो कट कर लेने के बाद इसको हम चिपका लेंगे। तो देखो मैं किस तरीके से कट कर ले रहा हूँ, आपको इसी तरीके से या कोई और एक साब एक ब्लेड वेट से भी आप कट कर सकते हो। दोस्तों अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ इधर उधर हो जाता है तो समझ लेना, क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं और जब वॉइस रिकॉर्ड करना होता है तब फैन वैन सब कुछ बंद रखना पड़ता है, इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो आप वो समझ लेना। और अगर आपको वीडियो की मेहनत दिख रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर तो कर ही देना चैनल को, ताकि अपना जो चैनल है वो काफी जल्दी बड़ा हो सके। तो इसको मैंने यहाँ पे चिपका लिया, और जो दो बच्चे हैं इनको भी इसी तरीके से सामने में चिपका लूंगा। और आपको एक ध्यान रखना है कि अंदर की जो साइड है वहां पे हमें इसको जो वाटर इनलेट के लिए छेद छोड़ देना है, मतलब ये जो पंखुड़ी है वो बिल्कुल उस पेन के चिपका के नहीं लगानी है, आपको उस पेन से थोड़ा दूर लगानी है ताकि वो अंदर से पानी खींच सके। तो इसके ऊपर मैंने एरल्डाइट जो आता है वो भी लगाने वाला हूँ। तो देखो मैंने इसके लिए एरल्डाइट अंदर से भी लगा दिया और उन पंखुड़ी के ऊपर से भी लगा दिया ताकि ये पानी के प्रेशर से निकल ना जाए, ताकि आपको पता ही है 775 की पावर कितनी ज्यादा है, तो ये पंखुड़ी मुड़ सकती है, निकल सकती है, इसलिए आपको वहां पे एरल्डाइट जरूर लगाना है। उसके बाद इस तरीके का आधे इंच का पाइप ले लिया जो कि इनलेट के लिए लगाने वाला हूं। तो ये हमारा सब कुछ इतना एरल्डाइट से आपको चिपका लेना है। तो देखो मैंने सबको फिर से एक बार चिपका लिया, मतलब जो चिपकाना बाकी था मैंने बोला था कि मैं चिपका लेता हूं। तो ये मैंने सब कुछ चिपका लिया है। अब इसके अंदर हम मोटर फिक्स कर लेते हैं। उससे पहले आपको इस तरीके का साइकिल का या बाइक का जो भी ट्यूब आता है वो ले लेना है, ताकि इसमें से कोई लीक ना हो जाए, पानी मोटर के अंदर ना जाए, इसलिए आपको इसके अंदर डालना है इस तरीके का ट्यूब। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ अंदर के साइज से, और कुछ होल भी कर लूंगा, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे आपको मार्किंग कर लेनी है। अब मैंने इसको इस तरीके से बेंड कर लिया ताकि इसके बीचों बीच सेंटर में हम होल कर सके। तो अब यहाँ से सीजर के द्वारा कट कर लूंगा। तो इसको मैंने ऐसे कट कर लिया। अब इसके बाद ये मोटर के अंदर काफी फिक्स आना चाहिए, और अब यहाँ पे एक ऑयल का बूंद भी डाल देना ताकि ये स्मूथ चल जाए। तो अब यहाँ पे भी दो मार्किंग करके होल कर लेता हूँ। अब इसको इसके अंदर बिठा देते हैं, मतलब मोटर को और इस रबड़ को यहाँ पे दो स्क्रू लगा के हम फिक्स कर लेते हैं। तो
तो देखो मैंने इसको फिक्स कर लिया है, अब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा मोटर के अंदर और कहीं से लीकेज भी नहीं होगी। तो ये पंखुड़ी जो है इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और ऊपर से आपको एक फेविक्विक का बूंद डाल देना है उस शेफ्ट के ऊपर, लेकिन मोटर के अंदर ना जाए ताकि ये पंखुड़ी निकल ना जाए। अब इसको भी ऐसे चिपका लूंगा और उसके बाद इसके ऊपर मैं कुछ सॉल्यूशन लगा दूंगा ताकि वो लीक ना होए, जैसे कि एरल्डाइट या फिर एमसील लगा दूंगा। तो मेरे पास एरल्डाइट नहीं मिला तो मैंने वहां पे एमसील लगा दिया। अब मैंने इसे 12 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिया एक स्विच के द्वारा। अगर आप 12 वोल्ट का सप्लाई नहीं है तो आप बाइक की कार की किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी से इसे चला सकते हो। और अब मैं आपको इसका फोर्स टेस्ट करवा देने वाला हूँ। तो आपको ये बाइक वॉश करने में या कार वॉश करने में या कहीं टंकी भरने में कुछ भी इस्तेमाल ले सकते हो, ये काफी अच्छा वर्क करता है। तो देखो मैंने शुरू कर लिया, इसको कितनी ज्यादा प्रेशर से हवा आ रही है, जैसे ब्लोअर जैसी काफी प्रेशर से हवा आ रही है, मतलब काफी तेज घूम रहा है और काफी अच्छा वर्क भी कर रहा है। तो मैं अब आपको इसकी पानी में डाल के भी टेस्टिंग करवा देता हूँ। तो देखो ये है पानी, तो आपको पता ही होगा, कोई नई बात थोड़ी है। तो अब मैं इसको चालू कर लेता हूँ और इसकी खास बात ये है कि ये पानी के ऊपर रहेगा, मतलब जो अगला वाला मुंह पाइप लगाया है वहां पे आपको, तो देखो इसका फोर्स वहां पे आप मोटी वाली जो नली आती है वो लगा के सीधा पानी में डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पहले ध्यान रहे कि उस नली में आपको एक बार पानी भर लेना है और इसको चालू कर लेना है ताकि ये पानी खींचता रहे। अगर आप सीधे नली को पानी के अंदर डालोगे तो ये खींचेगा नहीं, एक बार पहली बार आपको पानी खींच लेना है या फिर उस पंप के अंदर डाल देना है तभी ये वर्क करेगा, वरना आप बोलोगे कि ये वर्क नहीं कर रहा। तो देखो इसका पानी। तो दोस्तों आपको ये पंप की कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप टेस्टिंग देख लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।